नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज आपके लिए हम एक नई भर्ती लेकर आ चुके हैं जो कि निकली है पशुपालन विभाग में। इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन, भर्ती की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एक YouTube चैनल होने के साथ साथ एक हमारी वेबसाइट भी है, पर इस वीडियो में हम वेबसाइट का जिक्र नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और आपको नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भागरूनाप राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकला है दोस्तों। प्रोजेक्ट रिसर्च के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक पोस्ट है 67,000 प्लस ARA 69,600 रुपये PF फिक्स्ड। यहाँ पर आपको सैलरी की बात कर ली जाए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लिया जाए तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजी साइंस, लाइफ साइंस, मैक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोलॉजी, इनमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी या PhD होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट की बात करें और इसमें एज लिमिट की बात करें तो अप टू आप 40 ईयर के भीतर, 18 से 40 भी के भीतर हैं तो आप इसमें आवेदन जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस और बात करें तो प्रोजेक्ट टीचर सपोर्ट की टेक्निकल सॉरी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की बात करें तो आपको इसमें 12वीं पास होना चाहिए, साइंस या डिप्लोमा में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी बात करें अगर पोस्ट की, तो दो पोस्ट और इसमें आपको जो है वो 20,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी प्लस PF का 23,600, ठीक है। टोटल 26,600 PF काट के, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो अप टू 30 ईयर है, मतलब 30 ईयर, 18 से 30 साल तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर दो पोस्ट हैं जिसमें कि तीन वैकेंसीज आपको दो वैकेंसी जिसमें तीन पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी एस ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी इंटरव्यू की। और आपको आवेदन जो है वो ऑफलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर जो 21 नंबर का पॉइंट है आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट का PDF बनाकर इनकी जो मेल आईडी उस पर सेंड करना है, वो भी कब तक, 9:30 बजे से पहले। कितनी इसकी लास्ट तारीख की अगर हम बात करें तो 29 मई 2024 9 बजे तक इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 30 मई 2024 पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो आवेदन फॉर्म आपको PDF में ही मिल जाएगा। PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप आवेदन किस प्रकार से करना है, इस आवेदन का बकायदा आपको प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा देना है, नेम लिख देना है, वो भी ब्लैक साइज है, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स यहाँ पर लिख देना है आपको। अप्लाइंग अंडर ST SC OBC जिससे कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर फिजिकली फिट है या नहीं, यस या नो कर देना है आपको। कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड यहाँ पर लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी लिख देना है। एग्जाम पास बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और मार्क्स यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जितने भी अभी तक कोर्स किए हैं सभी की यहाँ पर आपको जानकारी भर देना है, उनकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी भर देना है, किस ईयर में आपने पास किए वो डाल देना है, और नंबर ऑफ मार्क्स मतलब कितने परसेंटेज आपके बने हैं वो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास जो जो एक्सपीरियंस उसके सीरियल नंबर डाल देना है, किस इंस्टीट्यूट किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस से आपको वो भर देना है, कौन सी डेट को ज्वाइनिंग की है, कौन सी डेट को आपने उसको छोड़ा है, कंप्लीट डेज मंथ ईयर सभी यहाँ पर आपको डाल देना है। किसी प्रोजेक्ट में काम किया तो उसका यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। टाइटल आप पेपर आप किस प्रकार के है कि आपने अगर कोई आपको एक्सपीरियंस है जनरल एंट्री है उससे लिख देना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, प्लेस लिख देना है, डेट लिख देनी है। और एड्रेस की अगर हम बात करें तो एक एड्रेस आपको जो 21 नंबर मैंने कॉलम आपको बताया था, 21 नंबर पॉइंट आप उसे देख लीजिए। एड्रेस आपका जो रहेगा वो ईमेल आईडी एड्रेस ये रहेगा,
डॉट आई सी एम आर डॉट बी एस एस 3 नेटवर्क एट द रेट gmail.com। नो, आपको सिर्फ इसमें अपलोड करना है, वो भी 9:30 बजे से पहले पहले, 29 और 30 मई से पहले, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यह उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रही भानुकर्प राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा प्रतिरोध संस्थान, यहाँ पर यह उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। आपको एक और नई इन्फॉर्मेशन दूंगा वो जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।